पहली रेजिस्टेंस है बाईस पाँच सौ तीस पर कल का हाई और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है बाईस छः सौ पर वो कॉल राइटर का जोन लेकिन सपोर्ट ज़्यादा जरूरी है बाईस तीन सौ से बाईस तीन सौ पचास चार्ट के हिसाब से और फिर बाईस बाई हज़ार से बाईस दो सौ पचास बाईस जोन होगा बाईस तीन सौ पचहत्तर से बाईस चार सौ पच्चीस मेरे ख्याल से शायद दिख भी जाए आपको एक बार के लिए भले प्री ओपन में थोड़ा उससे ऊपर है और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए बाईस तीन सौ मेरे ख्याल से वो ट्रेड अच्छी खासी आपकी रेस्ट रिवॉर्ड लेकर आएगी और सेलिंग के बारे में नहीं सोचना इस मार्केट में अभी भली कमज़ोर हो भी जाए एक बार के लिए इंटरवेट में लेकिन बड़ी ट्रेड क्योंकि बाय और डिप्स मिल रही है तो उस पर फोकस करेंगे आई थिंक बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस रहेगा ज़्यादा स्ट्रॉ इंडेक्स है यहाँ पर सपोर्ट 47,350 सेवन तो थ्री 47, फिफ्टी टू फोर्टी सेवन फोर हंड्रेड और फिर फोर्टी सिक्स नाइन फिफ्टी टू फोर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड पर है और रजिस्टेंस अप साइड पर फोटी सेवन सेवन नाइनटी फाइव टू फोर्टी एट थाउजेंड सेवेंटी एट और फिर फोर्टी एट फाइव हंड्रेड टू फोर्टी एट सिक्स हंड्रेड जोन रहेगा यहाँ फोटी सेवन थ्री फिफ्टी टू फोर्टी सेवन फोर फिफ्टी के आसपास मेरे ख्याल से देखते हैं अगर वो तीस सारे स्पॉइट नीचे आए यहाँ से तो और एक स्टॉप लॉस रहेगा फोर्टी सेवन टू फिफ्टी का एक चीज का ध्यान रखिए आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी की तो थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है उसकी वजह से लेकिन स्ट्रेंथ और मोमेंटम काफ़ी है बैंक निफ्टी में इस समय बिरू हे नो आज जब आपने जब स्पॉटलाइट का उल्लेख किया जिक्र किया एल टी आई माइंड ट्री उसकी वीकनेस का उल्लेख किया आ, अर्निंग सीजन के किक स्टार्ट होने से पहले निफ्टी आईटी की weakness, ये वीकनेस ये एक्सट्रीम ओवर सोल्ड्री स्पेशली लार्ज कैप आई टीसिस फिफ्टी टू वीक लो ये प्राइस क्या अट्रैक्ट कर रहा है अनुज या अभी लॉन्ग साइड पे कोई व्यू नहीं है बेरो मार्केट चीख चीख के कह रही है कि इन्फोसिस की गाइडेंस खराब होगी और फुल ईयर की गाइडेंस होगी ये क्योंकि एक्सेंचर ऑलरेडी सेप्टेम्बर एंड की गाइडेंस दे चुका है ठीक है ना तो छः महीने की का मार्केट ऑलरेडी व्यू ले चुका है मेरे ख्याल से मुझे स्क्रीन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिसमें ये लगे कि इन्फोसिस कुछ भी स्ट्रेंथ लेके आने वाला है बस एक इशू है पिछले तीन क्वार्टर का आप चार्ट उठा के देख लीजिए इन्फोसिस हर बार नंबर से पहले ही गिर गया है और नंबर वाले दिन बॉटम बनाया है उसने पॉसिबल है कि एक अगर खराब गाइडेंस दे दे उस दिन शायद इस स्टॉक का बॉटम बन जाए ये पॉसिबल है लेकिन अभी ना इसमें प्रीएम्प्ट करने की कोई जल्दबाजी नहीं है नंबर्स आ जाने दीजिए गाइडेंस आ जाने दीजिए उसके बाद हम एक व्यू लेंगे नॉर्मली मेरा ये मानना रहा है कि इन्फोसिस को अगर आपने रिजल्ट वाले दिन डिसअपॉइंटमेंट पर खरीदा है तो पैसा बनाए है। देखते हैं इस बार भी वो रहता है या नहीं रहता है लेकिन स्क्रीन तो चिक चिक के कह रही है कि गाइडेंस खराब आने वाली जी और इन्फोसिस को देख कर कुछ ऐसा ही लगता हुआ मेन वेल्थ प्राइस सेक्शन में इंडिगो दो परसेंट टू पर छत्तीस सौ पंद्रह वोल्टास गर्मी का प्रकोप इनके लिए वरदान आपकी स्क्रीन पे पौने दो परसेंट टू पर ग्यारह सौ बहत्तर अदानी पोर्ट्स बहुत स्ट्रॉग अगर आप देखें तो यहाँ पे मोमेंटम है थर्टी नाइन्टी सेवन मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई हाइटोजेक्ट्री है और यहाँ पे एक, एक सिटी का एक व्यू भी आया है सेवनटीन फिफ्टी एट का टारगेट दिया है

करीब करीब सैंतीस रुपए के ट्रेड हो रहे हैं तो वहां पर खरीदारी करिए चौबीस का में। मेरे ख्याल से आज एक आईटीसी पे नजर रखेंगे करीब आधा परसेंट ऊपर खुलने की तैयारी करता राजेश है राजेश सतपुते जी आईटीसी 428 ये 430 432 का वर्टिकल और जो, जो जोन है वो बहुत बड़ा सप्लाई जोन परसेस करता है वहां पर आपका व्यू परियम्प्ट करना है कुछ अगर तो बहुत संक्षेप रखिएगा